चलिए उधर बैठो, उधर बैठो, उधर बैठो, तुम भी बैठ जाओ, तुम सीट ले लो। नाम दीजिए इन लोगों के। जानते वीरू भदौरिया, लौट आए तुम, लौट आए। बस बैठो, बैठो, यहाँ बैठो, यहाँ बैठिए, बैठिए। देखिए एक मिनट, चेयर तो देखिए को, ये दूसरे जिले के जो आ गए हैं। ये आवाज क्या है कि पीछे जनरेटर चल रहा है क्या? जनरेटर बंद कराएं? हाँ बना दें ना। अरे अभी पहले हम शुरू करेंगे तब। पंखा नहीं चल पाएंगे तो बंद कर दीजिए, पंखा बंद कर दीजिए, जनरेटर बंद करो, जनरेटर बंद कर दीजिए। अरे तो वो ओहो देखिए ऐसा है, थोड़ी देर आवाज भी कानों में जाए तो अच्छा है। अब वो आवाज किस रूप में है हम तो निकाल सकते हैं। मास्क, बाकी लोग मास्क लगा रखो थोड़ी देर के लिए। सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूं अपने सभी पत्रकार साथियों को, आपको और आपके माध्यम से पूरे इटावा वासियों को, प्रदेश और देश के लोगों को आज के त्यौहार दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। साथ ही साथ बड़ी संख्या में लगातार समाजवादी पार्टी में लोग शामिल हो रहे हैं। इधर लखनऊ में भी बड़ी संख्या में लोगों ने शामिल होने की इच्छा जताई और समय समय पर उनको पार्टी में शामिल किया गया। मुझे खुशी है इस बात की कि इटावा के बहुत महत्वपूर्ण नेता और इटावा के जो तमाम वर्गों को, जिन्हें आज़ादी के बाद जो सम्मान मिलना चाहिए था नहीं मिल पाया, उनके बीच लगातार काम करते रहे, दूसरे दल को मजबूती पहुंचाते रहे, आज हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हम अपनी तरफ से और समाजवादी पार्टी की तरफ से जितने भी लोग शामिल हो रहे हैं उनका मैं स्वागत करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। जिसमें सबसे पहले राघवेंद्र गौतम जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई दे रहा हूं मैं। लाखन सिंह जाटव, खड़े होके नमस्कार कर लेंगे सब पहचान जाएंगे। कीरत सिंह पाल, जीतेन दोहरे जी, वीरू भदौरिया, पंडित राजीव चौधरी जी, लक्ष्मीचंद जाटव जी, राजीव बाथम जी, सत्यनारायण तिवारी जी, अनिल गौतम जी, अजय जाटव जी, सूर्य प्रताप सिंह पाल जी, मनीष जाटव जी, अखिलेश दुबे, जनक कुशवाहा जी, लकी अंसारी जी, साजिद खान साहब, यतेंद्र दोहरे जी, देवेंद्र दोहरे जी, सुबोध जाटव जी, रोहित जी, अश्वनी जी, संदेश भर त्रिपाठी जी, मोहम्मद इमरान ठाकुर, जितेन तोमर जी और सर्वेश गौतम जी। मैं सभी साथियों का जो दूसरे दल को छोड़ करके आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, मैं सभी का स्वागत करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। और हमें उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी का जो आंदोलन है, समाजवादी पार्टी के जो कार्यक्रम रहे हैं, जो रास्ता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दिखाया, जो रास्ता
डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने दिखाया और तमाम समाजवादी लोग उस आंदोलन को लेकर के आगे चले और नेताजी ने जो आंदोलन आगे बढ़ाया उसी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए एकजुट हो रहे हैं, हमारा सहयोग करने आए हैं, मैं उनका बहुत बहुत हमेशा आभारी रहूँगा। जहाँ तक इटावा का सवाल है, मैं अपने गुरुजी को देख रहा हूँ सामने, मुझे नहीं पता था कि गुरुजी यहाँ आ जाएंगे, तो गुरुजी ने हमेशा आशीर्वाद दिया और उस समय जब बहुत कम पढ़ाई में जानकारी थी, मैं समझता हूँ गुरुजी ने ही गुरु बनकर के हम लोगों को पूरी शिक्षा दी, जिसका परिणाम आज आप दिखाई दे रहा है सामने। और अगर कोई चेक करना चाहे इटावा की भाषा में तो हमसे बात कर ले कि अभी इटावा हम भूले नहीं हैं। अगर आप में से कोई चाहे तो बात कर सकता है, कोई अगर चाहे तो जानकारी कर ले। हमारे कवि अध्यक्ष जी जानते होंगे, लहुओ बहुत दिनों बाद आए हो, लहुआ बहुत दिनों बाद आया है। तो इटावा के विकास में समाजवादी पार्टी ने कभी कमी नहीं छोड़ी होगी। नेताजी को मौका मिला, समाजवादियों को मौका मिला, इटावा के विकास को नई ऊंचाइयों तक लेके गए। इटावा का विकास कभी पीछे नहीं रहा। जब जब समाजवादी सरकार बनी, इटावा के विकास को गति देने का काम समाजवादी लोगों ने किया है। और हम तो एक योजना नहीं, हमारे जितने भी यहाँ साथी बैठे हैं वो एक एक योजना से परिचित होंगे। एक एक विकास योजना जो इटावा में हुई है, जो जमीन पर उतारी गई है, उसके बारे में आप भली भांति जानते हैं। इटावा का विकास समाजवादियों ने नहीं रुकने दिया। इटावा का विकास अगर किसी ने रोका है तो विरोधी पार्टियों ने रोका है। मैं उदाहरण के लिए कह सकता हूं, इटावा की लाइन सफारी कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि ऐसी भी कोई एनिमल सफारी और लाइन सफारी बन सकती है। आज न केवल उत्तर प्रदेश की पहचान है, जिस समय इटावा के शेर उसके अंदर आ जाएंगे, इटावा के बब्बर शेर जो बना है उनका जोन उसमें आ जाएंगे, तो न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश की सबसे शानदार और सबसे अच्छी लाइन सफारी दिखाई देगी। लाइन सफारी आपके सामने उदाहरण है, इटावा से मैनपुरी जाने का रास्ता, जो लोग पुराने होंगे, जो लोग कभी पुराने बसों से चले होंगे, वो जानते होंगे कि इटावा से मैनपुरी का रास्ता कैसा था। जो लोग इटावा से मैनपुरी बस से जाते होंगे उन्हें पता होगा कि अंग्रेजों के ज़माने का लोहे का एक पुल था, अगर दूसरी तरफ से कोई बस या गाड़ी आ जाए तो उसको रुकना पड़ता था। ये समाजवादियों की देन है कि आज रुकना नहीं पड़ता है, दो बस इधर से निकल जाएं, दो बस उधर से आ जाएं, इतने चौड़े ब्रिज बन गई और सड़क भी वैसी बन गई है। रोजगार की दृष्टि से मदर डेयरी का प्लांट जो नेताजी ने शुरू किया था और समाजवादी पिछली सरकार में पूरा हो गया, मेडिकल यूनिवर्सिटी जो सैफई में बनकर के तैयार हो गई, तमाम पर्यटक सुविधाएं देने का काम समाजवादी सरकार में हुआ जो पर्यटन को बढ़ावा दे रही है, पुलिस को आधुनिक गाड़ी देना समाजवादी सरकार का काम है, पुलिस के अधिकारियों के आवास तक बना देना समाजवादियों की देन है, तमाम सड़कें हैं, पुल हैं यमुना नदी पर, आपको याद होगा यमुना पुल पे कितने नदी पर पुल बनते थे, न जाने कितने पुल बने हैं यमुना पर या और जगह पर, अगर किसी की देन है तो समाजवादी सरकार की देन है। भर्तना को जाम मुक्त करने का काम भी समाजवादी पार्टी ने किया है। जिले में
फीडर सेपरेशन का काम या सबस्टेशन का काम? सबसे ज़्यादा सबस्टेशन अगर कहीं बनाए हैं किसी ने तो समाजवादी सरकार ने बनाए हैं। अब पता नहीं भारतीय जनता पार्टी जाने क्या कहती है कि एलईडी उनकी देन है। उन्होंने शायद समाजवादी आवाज नहीं दिखाई देते होंगे। सबसे गरीब के यहाँ एलईडी पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया था तो समाजवादी सरकार में और समाजवादी पार्टी ने किया था। खेलों को बढ़ावा देने के लिए यहाँ से बहुत सारे खिलाड़ी न केवल इटावा में खेले हैं, उत्तर प्रदेश से लेकर के देश के पैमाने पर भी पहुँचे हैं और उन्होंने हमारे इटावा का बहुत बड़ा नाम किया, नाम को आगे बढ़ाया है। समाजवादी सरकार को जब मौका मिला तो ऐसे खिलाड़ियों का सम्मान करने का काम भी समाजवादी पार्टी ने किया है। यश भारती से भी सम्मानित यहाँ के खिलाड़ी हुए हैं। जो स्टेडियम बने हैं इटावा में बने, सैफई में बने, कभी कभी ये होता था इटावा के लोग कहते थे कि सब सैफई चला जा रहा है, लेकिन कम से कम अब इटावा में भी स्टेडियम है। और मुझे याद है जिस समय मैंने एस्ट्रोटर्फ का उद्घाटन किया था, एक शानदार वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल हॉकी का अगर किसी ने स्टेडियम दिया है तो नेशनल गेम के लिए समाजवादी पार्टी ने किया है और दिया है। विकास भवन का ऑडिटोरियम, पुलिस लाइन में मीटिंग हॉल, जिला अस्पताल में न जाने कितने बेड बढ़ा दिए और जेल से लेकर के न जाने कौन सी सुविधाएं दे दी हैं। जो लोग जेल होके आए होंगे वो जानते होंगे जेलों में कितनी असुविधा है और जेल में कैसे लोग रह रहे हैं या कैदी कैसे रह रहे हैं। उनको भी अगर किसी ने सुविधा दी है तो कोशिश की थी कि समाजवादी पार्टी में एक शानदार अच्छी जेल बन जाए। वो जेल का भी काम अभी अधूरा पड़ा है, जेल पूरी नहीं हो पाई है। मैं जिस रास्ते से चल करके आया हूं, मुझे भारतीय जनता पार्टी का केवल एक विकास दिखाई दिया है। विकास भवन में ब्लैक ग्रेनाइट का पत्थर लगाना ही सबसे बड़ा विकास मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को दिखाई दे रहा है। ब्लैक ग्रेनाइट लगाना ही विकास उन्हें दिखाई दे रहा है। और इटावा जो शहर है, इटावा जो जिला रहा, इसको जितना समाजवादी पार्टी दे सकती थी दिया है। और हम इटावा के लोगों को भरोसा दिलाना चाहते हैं अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से और अपने पत्रकार साथियों के माध्यम से कि जब कभी इटावा की जनता मौका देगी तो सबसे ऐतिहासिक काम इटावा शहर को भी अच्छा बनाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। इटावा का इतिहास कोई छोटा मोटा इतिहास नहीं है। ये जिला, इसका इतिहास बहुत पुराना है। और एक बार जब मैं सरकार में था तो पता नहीं कहां से प्रस्ताव बनकर के आ गया था कि यहां की तहसील को गिरा दिया जाएगा। लेकिन जब मुझे जानकारी हुई, जब मैंने कागज पढ़े और जाकर के मैंने बहुत सी और चीजों की जब जानकारी की, तो जो लोग पुराने होंगे, जो थोड़े इतिहास के पन्नों को पलटते होंगे, वो जानते होंगे कि 1857 की लड़ाई में इटावा के लोगों का बहुत योगदान रहा है। इटावा के लोगों ने वो हौसला, वो बहादुरी दिखाई थी, वो एकजुटता दिखाई थी कि यहाँ के जिलाधिकारी एओ ह्यूम को यहाँ से भागना पड़ा था और आगरा में जाकर के शरण लेनी पड़ी थी। जो यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे उन्होंने कई इमारतें बनाई थीं, कई बिल्डिंगें बनाई थीं इटावा में। वो एक तहसील भी थी, कोतवाली थी, स्कूल का पता नहीं, और वो घर भी आजकल जिलाधिकारी का है। तो समाजवादी पार्टी की उस समय तैयारी हो गई थी कि 1857 में किस तरीके से अंग्रेजों को इटावा के लोगों ने भगाया था, किस तरीके से जिला अधिकारी के घर से भागे थे वो
इतिहास को दोबारा बनाया जाए, जब कभी सरकार को मौका मिलेगा तो यही जिलाधिकारी महोदय का आवास बहुत अच्छा म्यूजियम में बन जाएगा, जिसमें 1857 के हमारे लोगों की पहचान बनेगी। जहां तक और बड़े सवाल हैं विकास को लेकर के, मुझे कोई भारतीय जनता पार्टी का बड़ा विकास नहीं दिखाई दे रहा है। अगर कोई विकास हुआ है तो विकास हुआ है उनका भ्रष्टाचार का और अन्याय का। भ्रष्टाचार और अन्याय का सबसे ज्यादा विकास अगर किसी सरकार में हुआ है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। और एक उदाहरण नहीं है अन्याय के, न जाने कितने उदाहरण दिए जा सकते हैं अन्याय के। सबसे ज्यादा झूठे मुकदमे लगाना, सबसे ज्यादा अन्याय होना, सबसे ज्यादा अपमानित करना, क्या कोई कल्पना कर सकता है कि पुलिस किस तरीके से 9 साल की बेटी के साथ व्यवहार करेगी? जो घटनाएं हो रही बलात्कार की, छेड़खानियों की, वो अलग घटनाएं हैं, उत्तर प्रदेश आंकड़ों में आगे जा रहा है। जो व्यवस्था की थी पुलिस को अच्छा बनाने की, पुलिस को बेहतर करने की, वो व्यवस्थाएं तो खत्म हुई हैं, लेकिन अन्याय देखिए। बताइए बुलंदशहर में किसी ने अगर पटाखे का ठेला लगा दिया, कोई दुकान लगा दी, तो पुलिस इस तरीके से अपमानित करेगी? ये तो एक उदाहरण है, न जाने कितनों को अपमानित होना पड़ा। इसलिए लोक भवन इसलिए नहीं बना था कि कोई सरकार का वहां बैठे और अपमानित करे। अगर कोई ऐसा है जो अपमानित कर रहा है, जनता को दुख दे रहा है, तकलीफ दे रहा है, जनता को जब मौका मिलेगा तो उस व्यक्ति को लोक भवन से बाहर कर देगी। ये भी जनता की ताकत है लोकतंत्र में। जहां तक इनकी योजनाएं हैं, अब पता नहीं कौन सी योजना इनकी चल रही है। हमारी बहनों को समाजवादी सरकार में लैपटॉप भी मिल जाता था और कन्या विद्याधन भी मिल जाता था। इनकी जो कन्या सुमंगला योजना है, हमें नहीं लगता हमारी बहनों को दे पा रही हैं लोग। पता नहीं किसको दे रहे हैं, कहाँ जा रही है पता नहीं। शौचालय कहाँ बने हैं, सुना है कि सर्टिफिकेट मिल गया थे ODF का। हमें तो कई जिलों की जानकारी है जहां जिलों को ODF कर दिया गया, जब जांच हुई तो पता लगा कि वहां शौचालय है ही नहीं, तो ODF कैसे घोषित कर दिया। बिजली की समस्या का आपको पता ही है, जब यहां के जनप्रतिनिधि, सरकार के जनप्रतिनिधि ये कहने लगे कि धान की फसल की कोई कीमत नहीं मिल रही, किसान को लूट हो रही। हमें बताओ, यही सरकार कहती थी कि किसानों को हम इतना मदद करेंगे कि उनकी आय दोगुनी हो जाएगी। हम जानना चाहते हैं सरकार से कि आखिरकार किस किसान की आय दोगुनी की है आपने। धान की फसल चली गई, खत्म होने वाली है, बताओ आपने धान किस कीमत खरीदा है? यहां जितने लोग खड़े हैं सब पे खेती है, सबने धान बेचा होगा, कोई हमें बता दे क्या कीमत मिली है, जो सरकारी तय था सरकार की तरफ से मिलने का, क्या किसान को मिला है उतना पैसा? और फिर महंगाई कितनी बढ़ गई, आप बताइए, DAP खाद और डीजल की महंगाई बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बिजली की कीमतें क्या पहुंच गईं? इसका कोई दोषी है तो वो भारतीय जनता पार्टी दोषी है। इसलिए समाजवादियों की कोशिश रहेगी कि लोगों को लगातार जोड़ें। आज मुझे खुशी है इस बात की कि बहुजन समाज पार्टी के और कांग्रेस के और अन्य दल से छोड़ करके जो समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं, हमारी पार्टी की ताकत बढ़ेगी। और आज जो हमारी दाईं तरफ बैठे हैं बहुत सारे साथी हैं, परिचय भी हुआ है, ये समाजवादी साथी बहुत महत्वपूर्ण नेता जो सामने बैठे हैं उनसे भी परिचय हुआ है। हमें उम्मीद है कि हम सब मिल करके एक साथ खड़े होकर के समाजवादी पार्टी को इटावा में बहुत ऐतिहासिक जीत दिलाएंगे। और हमें भरोसा ही नहीं है, आज हमें पूरा पता लग गया है
पूरा पता लग गया है इन लोगों के आ जाने से समाजवादी पार्टी में बड़ी संख्या में लोग जुड़ेंगे। आपने कहा कि मिटावा खुले नहीं है, तो ये वाक आपके जहन में कैसे आया? क्योंकि इटावा केवल लाइन सफारी देखने आता था, आप लोगों को नहीं देखता था मैं। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हम लोग मतलब अगर लाइन सफारी अध्यक्ष जी 22 में चुनाव आपकी 22 की ला रही, कोई राजनीतिक गठबंधन? समाजवादी पार्टी की कोशिश रहेगी कि कई दल जो हैं जिनसे बातचीत हो रही है या बातचीत हुई है या उन्होंने कभी कभी मदद की है, छोटे दलों से तो एडजस्टमेंट होगा लेकिन बड़े दलों से कोई गठबंधन नहीं होगा। आप बिल्कुल साफ पूछो ना, आदि घुमा के क्यों पूछते हो? नहीं एकदम सीधा पूछिए सवाल, माइक लगा के सीधा पूछिए। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से भी गठबंधन की संभावना है? मैंने आपसे कहा, मैंने लखनऊ में भी कहा, कई प्रेस के कार्यक्रम हुए उसमें भी कहा, समय समय पे लोगों ने कहा कि उस पार्टी को भी एडजस्ट करेंगे। जसवंत नगर उनकी सीट है, समाजवादी पार्टी ने वो सीट उनके लिए छोड़ दी है और आने वाले समय में उनके लोग मिलें, सरकार बनाएं, उनके नेता को कैबिनेट मंत्री भी बना देंगे, और क्या एडजस्टमेंट चाहिए। थैंक यू, बहुत धन्यवाद आपका, सही सवाल पूछ लिया आपने। क्या गोलमोल घुमा के पूछते रहते आप, इतनी उम्र और अनुभव के साथ गोलमोल बात कर रहे थे। बड़ी मेहनत की थी और उसके बाद वो सरकार नहीं बना पाए, किस तरीके से आप देखते हैं वहां के रिजल्ट को? महागठबंधन को जनता ने समर्थन दिया, पूरा समर्थन जनता का उनके साथ था, सीटें भी लगभग जीत गए थे। इतना बड़ा धोखा लोकतंत्र में किसी के साथ नहीं हुआ होगा जितना धोखा भारतीय जनता पार्टी ने वहां के लोगों के साथ किया है और महागठबंधन को बेईमानी से हराया है। यूपी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को एक सीट मिली है, तो आने वाले विधानसभा में क्या लगता है इस पर कोई असर पड़ेगा समाजवादी पार्टी? जितनी थी उतनी जीत गए, जब चुनाव डीएम एसपी एडीएम एसडीएम एसओ सिपाही लड़ेंगे तो कौन जीतेगा? भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही थी, उनकी सरकार के जितने भी अधिकारी थे वो सब चुनाव लड़ रहे थे। अध्यक्ष जी आपने कहा कि बिहार चुनाव में गड़बड़ी हुई, क्या आपके पास का पार्टी के पास कोई ऐसे प्रमाण मिले हैं कि वहाँ गड़बड़ी की आशंका? कमाल है, आप इतने बड़े चैनल में आप ही दिखा रहे थे कि बैलेट गड़बड़ हो गया। जो चुनाव में परिणाम आने चाहिए थे, जो जनता जान रही थी जो समझ रही थी, सब सर्वे फेल हो गए। आप एक दिन से पहले दिन से सोचिए इतना जन समर्थन किसकी रैली में था। सबसे ज्यादा जन समर्थन महागठबंधन की रैलियों में था। जितने भी देश के सर्वे थे उन सर्वेयों में ऐतिहासिक जीत की तरफ बताया गया, लेकिन जब मशीन खुली, परिणाम आया, रिजल्ट रोके गए, सर्टिफिकेट किसी और को दे दिए गए। यही तो आरोप महागठबंधन के नेताओं का है, क्या ये नहीं हुआ? अच्छा जी एक आखिरी सवाल, और मायावती बहन जी के बारे में कहा जाता है कि वो पाला बदल लेती हैं, अभी काफ़ी कुछ पार्टी के बारे में कहा भी उन्होंने, तो 22 में क्या संभावना है उनके साथ गठजोड़ हो सके? समाजवादी पार्टी ने कहा है कि अपने छोटे दलों के साथ तो विचार कर सकती है, बड़े दलों के साथ गठबंधन नहीं। हेलो नेताजी, 2022 ब्राह्मणों का विशेष आशीर्वाद आपको मिलने वाला है, इस पर क्या कुछ कहेंगे? समाजवादी पार्टी हर वर्ग से समर्थन मांग रही है और हर वर्ग के लोग समाजवादी पार्टी से जुट रहे हैं, और मेरा सभी से अपील है और निवेदन भी है कि समाजवादी पार्टी विकास के रास्ते पर और जो विकास किया उसका समर्थन करें।
अध्यक्ष जी 22 में यूपी में ऐसा ना हो जो बिहार में आपने देखा, उसके लिए क्या रणनीति आप समाजवादी? ये रणनीति का खुलासा नहीं करेंगे, नहीं तो उन्हें जानकारी हो जाएगी। समाजवादी पार्टी विकास पे तो करेगी करेगी काम, विकास के साथ साथ जो अन्याय हो रहा है, जिस तरह का भ्रष्टाचार चल रहा है, उन सब चीजों को जनता के सामने रखेगी। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है इटावा वालों, मुझे सुना है शेर यहां से कहीं और जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं शेर? मैं तो सरकार से कहूंगा कि हमारे लायन सफारी शुरू कर दें, एक एनिमल सफारी एक लायन सफारी है, लायन सफारी शुरू कर दें और जितने शेर चाहिए वो शेर ले जाओ, लेकिन कम से कम लायन सफारी तो शुरू करो। यही सरकार आरोप लगाती थी अगर याद हो कि गोरखपुर के डॉक्टर हम सैफई में ले आए हैं, सैफई और इटावा पे आरोप याद कीजिए, कितना आरोप लगते थे। हमारे मुख्यमंत्री को जानकारी नहीं है, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे जोड़ दिया इटावा से हमारे घर में रोक जोड़ दिया करके। हम उन्हें धन्यवाद देंगे, कम से कम उनकी जानकारी में नहीं हुआ, कम से कम हो तो गया कुछ कि बुंदेलखंड आकर के इटावा में हमारे घर से जोड़ दिया। और आखिरकार उन्हें शेर की भी जरूरत यहीं से पड़ी, उनके पास कोई शेर नहीं है, ये बात तो साबित हो गई। केवल लायन सफारी एनिमल सफारी नहीं खोली है, वो जानते हैं कि जैसे ही लायन सफारी खुलेगी समाजवादी पार्टी की तारीफ लोग करेंगे, वाहवाही होगी कि देखिए कैसा काम हुआ है। और आपसे अच्छा कौन जानता है, आपसे अच्छा कौन जानेगा? कोई अगर आया होगा लायन सफारी और अगर आपने माइक उसके सामने लगा दिया होगा तो उसने बात खत्म बिना तारीफ के नहीं की होगी, ये आप सब जानते हो ये बात। तो वो जानते हैं कि अगर लायन सफारी खोल दिया तो इटावा के लोग पूरा वोट समाजवादी पार्टी को दे देंगे, इसलिए नहीं खोल रहे जानबूझ करके। जिस लायन सफारी से रेवेन्यू मिलने लगे, जिस सफारी का मुनाफा होने लगे, ऐसे सरकार के कितने विभाग हैं जो मुनाफे में हैं, ये विभाग मुनाफे का है तो बताइए, उसमें भी धोखा कर रहे हैं ये लोग। और इसीलिए नहीं शुरू कर रहे हैं क्योंकि इसमें तारीफ समाजवादियों की होगी कि समाजवादियों ने कितना अच्छा काम किया है। और समाजवादी सरकार बनेगी तो जो हमारे वॉकर्स हैं या जो साइकिलिस्ट हैं, सुरक्षा का अच्छा इंतजाम करके सुबह अगर उसमें साइकिल चलाने जाना चाहेंगे और वॉक करने जाएंगे तो समाजवादी पार्टी की सरकार उसको खोल देगी जनता के लिए। बाकी शेर और जानवर पैसे से देखें, और आपको पूछना चाहिए सरकार से कम एक आध जानवर ही बढ़ा देते वहां पर, क्यों जानवर नहीं बढ़ाया? मैं आपसे कह रहा हूं आप बहुत पुराने हैं, भारतीय जनता पार्टी कोई विकास इटावा में नहीं करेगी। और अगर कोई विकास हो भी रहा होगा तो उसको रोक देगी। आज इटावा और आसपास के लोगों को सबसे बेहतर अच्छा इलाज सैफई में मिल रहा था, 4 साल में बताएं कितना बजट दिया उन्होंने, सब बजट काट दिया। हम 4 साल में अभी तक इलाज कराने सैफई हॉस्पिटल में नहीं गए हैं, उन्हें ये लगता है कि ये हॉस्पिटल इतना बड़ा बना है वो हमारे इलाज के लिए बना है, ये गरीबों के लिए बना है, जिन्हें कहीं इलाज नहीं मिल पा रहा है वो अगर सैफई जाएंगे तो उन्हें फ्री इलाज मिल जाएगा, ये इंतजाम नेताजी ने सैफई में किया था। और मुझे खुशी है इस बात की, न केवल उत्तर प्रदेश के लोग आ रहे हैं वहाँ इलाज कराने, मध्य प्रदेश के लोग आते हैं, और मुझे जानकारी मिली थी कई मशीनें जो चंडीगढ़ में नहीं थीं, एक आर्मी का बहुत सीनियर अधिकारी कई महीनों रह करके यहीं पर इलाज करा के गया था, और अगर उसको इलाज कहीं और कराना पड़ता तो शायद वो इलाज कभी नहीं करा पाता था, एक आर्मी का अफसर।
आप जानकारी कर लेना क्या महीनों रहे वो अधिकारी के नहीं रहे और पूरा इलाज होकर के यहाँ से गया कि नहीं गया। और कोविड में इस परेशानी में जो कोविड आया, सबसे आगे सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अगर किसी ने निभाई है तो वो सैफई के मेडिकल कॉलेज ने निभाई है, जो नेताजी के ज़माने से बना था और जितना नेताजी ने बनाया था उससे इतना ही समाजवादी पार्टी की पिछली सरकार में बना करके तैयार किया था, क्योंकि लोगों का इलाज हो जाए, लोगों की जान बच जाए। अब ये सरकार चाहती नहीं है कि किसी का इलाज हो जाए, और जिसको इलाज कराने अस्पताल अगर जाना पड़ जाएगा सरकारी, वो दोबारा भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देगा, वो समाजवादी पार्टी को ही वोट देगा। और नहीं मानते कोविड हो जाए आपको फिर दोबारा वोट आप समाजवादी पार्टी को ही दोगे, बीजेपी को नहीं दे सकते आप, क्योंकि ये बीमारी वही लाए हैं। मैंने लोकसभा में कहा था अगर स्पीच निकालेंगे आप, बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग मुस्करा रहे थे, हंस रहे थे, मैंने कहा ये हवाई जहाज से आया है बीमारी और कहीं ये गांव में पहुंच गई तो कैसा होगा। ये बात अलग है कि अब लोग मास्क की परवाह नहीं कर रहे हैं, बीमारी की परवाह नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये सच्चाई नहीं है कि बीमारी ख़त्म हो गई है। अगर दुनिया के कुछ हिस्सों में दोबारा लॉकडाउन हुआ है, लोग बीमार हो रहे हैं, तो हमें भी सावधान रहना पड़ेगा कम से कम। और ये मास्क हम इसलिए भी लगा रहे हैं कि हम अपने आप को सुरक्षित रखें और दूसरे से सुरक्षित रहें, और कहीं हम अगर बीमार हैं तो दूसरे को बीमारी ना हो जाए, इसलिए हम मास्क पहन रहे हैं। तो कम से कम सरकार को साफ करना चाहिए कि बीमारी है कि नहीं है, जब दुनिया के दूसरे हिस्सों में आ रही है। सरकार तो कह रही है कि नो टेस्ट नो कोविड, टेस्ट कराना ही बंद कर दिया होगा, जैसे नौकरी देना बंद कर दिया वैसे टेस्ट कराना बंद कर दिया इन्होंने। अखिलेश जी, मेरा सवाल है आपसे, आपने नौकरी की बात की, उत्तर प्रदेश में वर्तमान सरकार बैकडोर से नौकरियां दे रही है, बिना विज्ञप्ति निकाले भर्तियां चल रही हैं, बीजेपी अपने चहेतों को भर्ती करवा रहे हैं, लेकिन बेरोजगार की भावनाएं जो हैं उनको कुचला जा रहा है, क्या कहेंगे आप? ये 2020 में कोविड आया है, 2021 तक ठीक होगा और 22 में एकदम खुशहाली आ जाएगी, इसलिए 22 तक इंतज़ार करिए आप, सब कुछ 22 में ठीक होगा, उससे पहले आप उम्मीद मत करिए कुछ ठीक कर देंगे ये लोग, 22 में सब ठीक होना है, विकास के रास्ते पे चलना है। और किसानों के अभी सबसे ज़्यादा अगर भला कोई करेगा तो समाजवादी सरकार 2022 में करेगी। मेरा अगला सवाल है अखिलेश जी, केंद्र सरकार किसान बिल लाई, पूरे देश में किसानों ने विरोध किया, किसानों की आय को दुगना करना चाह रही थी सरकार, उत्तर प्रदेश में जो किसानों की बदहाली है, शायद आपने कल, आप जब औरैया से आ रहे थे मैं भी रास्ते में था, आप देखते आ रहे थे सड़क के किनारे धान पड़ा हुआ है, इस बदहाली को जब आपकी सरकार बनेगी तो आप इसको कैसे दूर करेंगे? ये जो कानून आया है और इसके साथ साथ जो कानून बने हैं, ये किसानों को बर्बाद कर देगा, ये जो कानून बने हैं इससे किसान बर्बाद हो जाएगा। और याद कीजिए मैंने ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तैयारी है कि किसानों की खेत की मेड़ तोड़ दें, और वहीं राज्यसभा में आदरणीय प्रोफेसर रामगोपाल जी ने कहा था कि ये जो कानून आया ये डेथ वारंट है। समाजवादी पार्टी की कोशिश थी और प्रयास चल रहा था कि किसानों को उनकी आय भी बढ़े और जो सरकार तय करती है MSP वो भी उन तक पहुंच जाए, इसके लिए लगातार मंडियों को बेहतर कर रहे थे। अगर एक्सप्रेसवे के किनारे जाएंगे आप तो मैनपुरी में जितनी समाजवादी सरकार में बनी थी मंडी उतनी बनी छूट गई, इसी तरह आलू के लेकर के एक बहुत बड़ी मंडी बन रही थी वो कन्नौज में थी, वो भी उतना ही काम छूट गया, लखनऊ में भी मंडी बन रही थी वैसी की वैसी छूट गई, औरैया में मंडी का सुधार क्या कर सकते थे वो भी किया, इटावा की मंडी का सुधार किया, और क्या सुविधा दे सकते हैं वो भी सुविधा देना शुरू हो गया था, लेकिन सब सुविधाएं भारतीय जनता पार्टी ने छीन ली हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहते हैं और पूछना चाहते हैं, आप कहते हैं कि वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उन्होंने एक मिस्ड कॉल नंबर बनाया, कहा कि जिसको सदस्य बनना है हमारे मिस्ड कॉल करिए,
और सदस्य बन जाइए हमारी पार्टी का। हम उसी मिस्ड कॉल पार्टी से पूछना चाहते हैं, हमारा किसान किस फोन पर मिस्ड कॉल दे जिससे कि उसकी आय दोगुनी हो जाए और MSP मिल जाए। हमें भारतीय जनता पार्टी वाले बताएं कि वो फोन नंबर कौन सा है जिसपे मिस्ड कॉल किसान कर दें और हम नौजवान नौकरी मांग लें उनसे। अखिलेश जी, मेरा सवाल आपसे फिर वही है, मैंने आपसे ये पूछा कि अगर आपकी सरकार आएगी तो किसानों को आप कैसे राहत देंगे? मैंने आपको बताया कि जो मंडियां बनी हैं और जो सुविधाएं दे सकते हैं किसानों को वो देंगे। अब ये जानना चाहते हो कि हम क्या करेंगे? हम जो बोल देंगे वो भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया तो उसका क्या करोगे तुम? हम आवाज उठा रहे हैं कि MSP दीजिए, खजाना है आपके पास पैसे, क्या दिक्कत है? हम एक ही उदाहरण देंगे आपको। जिस समय चीनी मिलों को घाटा हो रहा था और चीनी मिलें तैयार नहीं थी, चीनी मिलें इस बात के लिए तैयार नहीं थी कि किसानों को जो गन्ने की है वो कीमत मिल जाए। आप याद कीजिए 2016 का बजट और उससे पहले का बजट और सप्लीमेंट्री बजट, उसमें किसान को पैसा देने के लिए 2,000 करोड़ रुपए सरकार ने दिए थे कि किसानों का गन्ने का भुगतान हो जाए। तो 2,000 करोड़ सरकार ने दिए थे, उनके जो को जनरेशन था, क्योंकि उससे उनको बिजली बेचते, सरकार से कुछ पैसा कमाते, तो वो भी पैसा कहा गया था कि जिन किसानों का गन्ने का भुगतान करेंगे उसी का सरकार पेमेंट करेगी। मुझे खुशी है इस बात की कि उस समय किसानों को बढ़कर के गन्ने का मूल्य मिला, हर साल गन्ने के पैसे बढ़ाए गए, 40-40 रुपया बढ़ाया गया और गन्ने का बकाया नहीं छूटने दिया। तो इसी तरह समाजवादी सरकार बनेगी, चाहे गेहूं हो, धान हो, मक्का हो, सरसों हो। और दूसरा उदाहरण मैं दे दूं आपको, और जो कभी कभी घर में आप शौक से TV का एडवर्टाइजमेंट देख करके एडिबल ऑयल खरीद लेते हो जिससे खाना बना लेते हो, और कहा जाता है कि इस एडिबल ऑयल के खाने से अगर पूड़ी बनेगी या कोई खाना बनेगा तो आप स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि मैं कंपनियों के नाम नहीं बोलना चाहता हूं, वो कौन से एडिबल ऑयल हैं? क्या हमारा सरसों का तेल खराब है? क्या हमारे गांव का घी खराब है? अगर हम घी को बढ़ावा दे जाएंगे और अपने खेत की पैदा हुई सरसों के तेल को बढ़ावा दे देंगे तो हमारा किसान खुशहाल हो जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सब खाने का तेल विदेश से मंगा रही है। आपको उम्मीद नहीं होगी, केवल उत्तर प्रदेश में लाखों करोड़ का रुपया का केवल तेल आ रहा होगा, एडिबल ऑयल आ रहा होगा, जो मल्टीनेशनल कंपनियां हमारे लोगों को खिला रही हैं। तो दो ही उदाहरण दिए, अगर समझ पाओ तो समझ जाओ, आप भी वोट समाजवादी पार्टी को देना, खुशहाली आएगी। अखिलेश जी, मेरा आखिरी सवाल है आपसे, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, परिचय तो दे दो भाई, गोपाल जी से पूछ लीजिए। अरे गोपाल जी जानते हैं, जेब में रखते हैं गोपाल जी के आपको, आप परिचय दीजिए अपना। मैं शेखर यादव, द संडे व्यूज का रिपोर्टर। अच्छा, संडे व्यूज के, बहुत धन्यवाद। तीसरा सवाल पूछिए आप। मेरा आखिरी सवाल है आपसे, और जब तक खत्म न हो जाए तब तक सवाल पूछना। नहीं, मेरा आखिरी सवाल है आपसे। नहीं, एक और पूछोगे मेरी तरफ से शेखर जी, एक और पूछोगे, इसलिए आखिरी नहीं हो सकता आपका सवाल। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, महिलाओं पे जुल्म बढ़ गया है, जबकि इन्होंने ये आश्वासन दिया था कि महिलाओं को सुरक्षा देंगे। हाथरस कांड हुआ, आपने इटावा के इतिहास की बात की तो मुझे याद आया, हाथरस कांड हुआ, हाथरस कांड में भी इटावा की सीमा कुशवाहा जो एडवोकेट है, जो निर्भया कांड की एडवोकेट रही है, उन्होंने भी बहुत फाइट किया, धर्मेंद्र जी भी गए थे। लेकिन लोगों के मन में एक सवाल उठता रहा कि अखिलेश जी यहाँ नहीं आए, क्या कहेंगे आप? हालांकि ये सवाल बहुत अच्छा आपने इसलिए पूछा कि बहुत सारे लोग ये कहते थे हम हैं कहाँ, क्यों नहीं आए, और ये भी अच्छा है क्योंकि आपको ये नहीं पता है कि उस मौके पर कौन था, मौके पर लड़ाई कौन लड़ रहा था। जिस दिन घटना हुई, मुझे खुशी है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उसके गांव के बाहर बैठ गए जाकर के, उसी रात को, उसी शाम को धरना दिया। मैंने अपने उस कार्यकर्ता को फोन मिलाया, मैंने कहा कि आप धरना देते रहना, धरना से मत हटना, क्योंकि उस परिवार को न्याय दिलाना है।
और मुझे खुशी है हिम्मत से वो जुटे रहे। उसके बाद उसी कार्यकर्ता से मैंने कहा कि अगर तुम बात करा सकते हो तो उसके भाई से बात कराना। उसी दिन रात में जब वो बेटी घर पहुंची है, गांव में आई है दिल्ली से, उसके भाई से मेरी बात हुई और भाई ने मुझसे निवेदन किया कि आप ऐसा करिए कि मेरी बहन की डेड बॉडी मुझे दिलवा दीजिए, कम से कम आखिरी जो कार्यक्रम होते हैं पारिवारिक कार्यक्रम में हम कर लें और परिवार के लोगों को देखने और दर्शन करने का मौका मिल जाए। मैंने उस भाई से कहा कि मैं एक बार कोशिश करूंगा, लेकिन मैं जानता हूं ये सरकार नहीं मानेगी। उसके बाद क्योंकि जिला अधिकारी का मेरे पास नंबर नहीं था उस समय, क्योंकि जिस जगह मैं था उस समय रात के डेढ़ बज गया था, वहां समय ठीक था। मैंने डेढ़ बजे ही अपने MLC को फोन किया, MLC पे जब नंबर नहीं मिला, उनका फोन नहीं उठा रात के डेढ़ बजे, तो मैंने नंबर ढूंढ करके DM को नंबर मिलाया। DM ने एक बार तो फोन उठाया और दूसरी बार फोन नहीं उठाया उन्होंने। जब दूसरी बार फोन उन्होंने नहीं उठाया तो मैंने जानबूझ करके उस दिन का मैसेज किया और मैंने उस मैसेज में रात के 2:30 बजे मैसेज किया और मैंने कहा, जो DM के लिए मैसेज मैंने किया, मैंने मैसेज किया कि कृपया परिवार की आखिरी इच्छा का सम्मान करें अखिलेश। और मुझे लगता है वो मैसेज मिला था उसे, लेकिन उसके बावजूद भी उस जिलाधिकारी ने वो सम्मान उसका परिवार का नहीं होने दिया। उसके बाद जो हमारी पार्टी कर सकती थी, हमारी पार्टी ने लड़ाई लड़ी। ये अतुल प्रधान खड़े हैं, आप पूछ लीजिए। उस मौके पर CO था, इन्होंने CO से बात कराई मेरी और मैंने CO से कहा कि CO तुम बहादुरी से लड़ जाना और न्याय दिलाना बेटी को। लेकिन न जाने कहाँ का दबाव था कि उस परिवार के साथ अन्याय हुआ, उस बेटी को न्याय नहीं दिया। हमें कभी कभी दुख होता है आप लोगों पर, चैनल वालों पर। जब समाजवादी कार्यकर्ता पहुंचे तो यही चैनल के कई लोगों की भाषा क्या थी। जब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे थे, आप दोबारा निकाल करके देखे वीडियो, अगर और दल के लोग जाएं तो उसको आप आंदोलन और प्रदर्शन कहते हैं, और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जाएं तो उन पर लाठी और अन्याय करते हो आप, और न जाने किस भाषा का इस्तेमाल करते हो। जो अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज है वो TV चैनल इस्तेमाल कर रहा था, वो मेरे पास रिकॉर्डिंग है, ऐसा नहीं है कि रिकॉर्डिंग नहीं है, पूरे देश और दुनिया ने देखा। वो शब्द मैं बोल भी नहीं सकता हूँ जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बारे में उस चैनल के लोगों ने कहा। तो उस बेटी को न्याय दिलाने में समाजवादी पार्टी खड़ी रहेगी और हमें उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में जनता समाजवादियों की एक बार मदद करेगी, जैसे ऐसे दोषी अधिकारियों पर भी न्याय के अंदर रह करके कार्रवाई हो। और एक बेटी का आपने उदाहरण दिया, कल का वीडियो जिस किसी ने भी देखा होगा, जो शादीशुदा लोग हैं जिनके बच्चे हैं घर में, क्या कोई कल्पना कर सकता है कि उसकी पिताजी को पुलिस उठा ले जाए, मारती ले जाए और बेटी पुलिस की गाड़ी को मार रही हो, भाग रही हो पीछे, उसके बावजूद ही क्या कार्रवाई की आपने? आपने 2 अधिकारी भेज दिए, कहा मिठाई खा लो जा करके, मिठाई खिला दी। लेकिन मुझे खुशी इस बात की, मैंने उस बेटी का वीडियो भी सुना है, जब एक पत्रकार उसे सवाल पूछ रहा है कि क्या पुलिस ने मारा था, पीटा था, अपमानित किया था, वो चुप हो गई और कैमरे की तरफ नहीं देख रही थी। इसका मतलब ये था कि हाँ, पुलिस ने उसके पिताजी के साथ अन्याय किया था। क्या आप सोच सकते हो कि बेटी देख रही हो पिता पिट रहा हो? ये वही लोग हैं जिनके परिवार नहीं है, वही लोग ऐसा कर सकते हैं और वही लोग देख सकते हैं। आप क्या उम्मीद करोगे भारतीय जनता पार्टी से? एक बेटी, न जाने कितने हैं बेटियों के साथ अन्याय हुआ है। जो सबसे अच्छी योजना थी वो भी खत्म कर दी, 1090, और क्या ये योजना बनाई, 100 नंबर, क्योंकि समाजवादी सरकार का है, क्योंकि उन्हें नंबर बढ़ाना था, 112 कर दिया। क्या ये वही योजना नहीं है, वही गाड़ी नहीं है क्या? कभी आप सोचो, क्या इन्होंने एक टायर भी बदल दिया होगा उसका? गाड़ी का टायर बदला नहीं, केवल रंग पे अपना नंबर लिखा लिया। तो क्या करोगे सरकार पे, क्या उम्मीद है? और कितने नाम बदल दिए? मैंने उस समय भी कहा था, इस देश के कई बार प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनका केवल सम्मान यहाँ नहीं है, पूरे देश सम्मान करता है। जब वो समाजवादी पार्टी का सरकार का बना हुआ स्टेडियम
उसका नाम बदल रहे थे, वो भगवान विष्णु के नाम पर था, उसका नाम बदल रहे थे। उस समय भी मैंने कहा, जब लोक भवन में प्रतिमा लगा रहे थे उस समय भी मैंने कहा, मैंने कहा वो रहने वाले बटेश्वर के थे। कम से कम बटेश्वर में ऑक्सफोर्ड जैसी, कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटी तो बना देते। क्या पैसे की कमी है दिल्ली सरकार को, क्या पैसे की कमी है उत्तर प्रदेश की सरकार को? सब नोटबंदी से तो पैसा इकट्ठा कर लिया है, कोई कमी हो तो बताओ। लेकिन क्या मिला बताइए आप, क्या बटेश्वर को मिला कुछ? तो जो अपने नेता का सम्मान न करते हो उनसे क्या उम्मीद करोगे आप? एक मंत्री कुछ ट्वीट कर रहे हैं, हालांकि बोलना नहीं चाहिए उन मंत्री के बारे में, बहुत दुखी हैं वो दुखी इसलिए हैं उनके विभाग में कुछ चल ही नहीं रहा, उनकी चलती नहीं है, उन्हें कई बार टेंडर कैंसिल करना पड़ता है। और उस विभाग के साथ और मुख्यमंत्री का ये रिश्ता पुराना है, कोई नया रिश्ता नहीं है। इस विभाग का और मुख्यमंत्री से रिश्ता ऐसा ही होता है। तो आप सोचिए, इतने दुखी मंत्री हैं वो, उनका सपना कुछ और था, उनका सपना इतना बड़ा था, और सपना देखते हैं आजकल भी देखते हैं। और कैसे नींद आती होगी तो ये तो भगवान बता सकते हैं कैसे नींद आती होगी, क्योंकि समय तो बच रहा है, समय बच ही नहीं रहा। उन्हें नींद नहीं आ रही आजकल, क्योंकि समय नहीं बचा है सरकार का। एक बार गलती से वो सपने में सोचे कि वो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए, और उन्होंने जानकारी की कि मुख्यमंत्री कहाँ बैठते हैं, तो उन्हें पता लगा कि मुख्यमंत्री शास्त्री भवन में बैठते हैं। सुबह जब सपने से जागे, तैयार होकर के जाकर के शास्त्री भवन में बैठ गए, अपने नाम का तख्ती भी लगा ली उन्होंने, जिस कुर्सी पर मुख्यमंत्री बैठते उस मुख्यमंत्री कुर्सी भी बैठ गए। लेकिन जब असली मुख्यमंत्री ने दूसरे मुख्यमंत्री को जगा दिया, जब तख्ती फेंक दी और कुर्सी पर दोबारा नहीं बैठ पाए, वो आप जानते होंगे कौन है, वो नाम हम नहीं बताएंगे, आप लोग बेहतर समझते होंगे। उनका सपना बड़ा हो, हमें उम्मीद है कि उनका सपना ऐसा ही रहे। क्या उनका सपना पूरा हो जाएगा? नहीं, सपना देखिए, किसने मना किया? जब तक सपने नहीं देखोगे तो बड़ा काम नहीं कर पाओगे। हम तो ये कहते हैं कि सपना देखने से केवल पूरा नहीं होगा, इसलिए जनेश्वर मिश्र जी को याद कीजिए, जितना बड़ा सपना देखो उससे ज्यादा संघर्ष के लिए तैयार रहो। बहुत बढ़िया। तो अगर वो बनना चाहे, अपना सपना पूरा करना चाहे, तो अभी भी करने को तैयार है वहां लोग, कर ले सपना पूरा, हिम्मत तो जुटाएं। नहीं, आप ये तो लाइव है, ये चीजें ये तो लाइव हैं, वो भी देख रहे होंगे, उन तक बात पहुंच जाएगी, और सरकार के लोग भी यहाँ बैठे होंगे, LIU के लोग भी कुछ कागज में लिख रहे होंगे, और अपने पत्रकार भी तो LIU हैं। ये पूरा हमारी जितनी बातचीत है और जितने लोग हैं सबकी रिकॉर्डिंग करके BJP को दे आएंगे, एक पूरी रिकॉर्डिंग BJP वालों को। लेकिन जो BJP वाले सुन रहे हैं, आज तो हमें यहाँ इसलिए बैठना पड़ा कि हमारा कार्यालय नहीं है, हमने सुना है भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा शानदार कार्यालय बनाया है, बताइए हम लोग पीछे रह गए? अब करेंगे कुछ कार्यालय का अच्छा इंतजाम आने वाले। कोई सवाल तो नहीं बचा तुम्हारा? ये तो पुराने पत्रकार हैं, और यही नहीं, न जाने कितनी बातें हम आपसे कह सकते हैं। बताइए, सरकार ने कहा कि हमने लैपटॉप में भेदभाव किया है, याद कीजिए आप लोग, आप तो पूरे इटावा शहर में रहते होंगे, अलग अलग वार्ड, अलग अलग मोहल्ले के रहने वाले लोग हैं, यहाँ जो नेता बैठे हैं वो अलग अलग कस्बे के लोग हैं, मतलब अलग अलग जगह के रहने वाले हैं। समाजवादी पार्टी ने जो लैपटॉप दिया वो आज भी चल रहा होगा, आज भी चल रहा है वो, और हमने अपने लैपटॉप में ऐसी सेटिंग की है कि जब भी ऑन करोगे तो हम और नेताजी ही दिखाई देंगे आपको। हमारी सेटिंग ठीक है कि नहीं है? लेकिन अब BJP की सेटिंग पकड़नी है, उसके बाद चुनाव समाजवादी पार्टी जीत जाएगी। और जो मैंने पहले कहा, अगर ये झूठ से सरकार बना सकते हैं तो समाजवादी पार्टी जनता को भरोसा दिला के और अपने विकास को बातों को ले आकर के और सबको जोड़ करके सरकार बना लेगी।
श्याम बाबू, नहीं आते रहेंगे और लगातार बातचीत करते रहेंगे, लगातार हर जिले में इसी तरह अपनी समाजवादी सरकार के जो काम है वो याद दिलाते रहेंगे, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता जाने आप लोगों के माध्यम से जनता तक बात जाए कि कम से कम, और बीजेपी वाले जाग जाएं कि भाई कुछ काम तो कर लो, तो खत्म तो फिर खत्म। ये हमारे साथियों से निवेदन है कि आप शांति से बैठे रहो, प्रेस वाले चले जाएंगे तो और जो साथी हैं उन्हें बुला लेंगे अंदर, लेकिन आप लोग शांति से बैठे रहें। मैं प्रेस के सभी लोगों का धन्यवाद देता हूं, एक बार फिर दीपावली पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई और बहुत धन्यवाद, और इसी तरह मिलते रहेंगे, नहीं मिलते रहेंगे, और अभी तो जो इंतज़ाम कर पाए करें, लेकिन आने वाले समय में अच्छा इंतज़ाम रहेगा आप लोग और हम लोग। चलिए बहुत धन्यवाद, और कोई अकेले नहीं होगा इंटरव्यू, नहीं तो हम मर जाएंगे। नहीं अकेले इंटरव्यू नहीं, नहीं नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, इन लोगों की फोटो आ जाए, आप लोग आ जाओ, ए पीछे हो जाओ तो इनकी ग्रुप फोटो हो जाएगी बेटा, ए इनकी आ जाओ, एक कुर्सी हटा दो, एक मत।